इस तरह से एकदम नरम बन। माता दी, तो आज हम बनाते आलू सूजी और मटर से नाश्ता। ये है सूजी, ये है हमारे मटर, ये आलू। और आलू हमने अच्छे से धो के दो तरफ काट के डाल दिए, उसमें मटर डाल देंगे। तो इसको उबालने के लिए रख देते। ये हमारी सूजी है आधा केजी। तो ये है हमारे पास सोडा, ये कितना छोटा सा चम्मच है, एक चम्मच सोडा डाल देंगे। और ये दही, इसमें आधी, लगभग आधी कटोरी के बराबर दही डाल देंगे भूनने के लिए। और इसको हम नॉर्मल सा डो लगा देंगे, जैसे आटे आटा गूंदा जाता है ना, ऐसे ही गूंदेंगे। इसको गीला नहीं करेगी, इसको एकदम ठीक रख देंगे। गीला ही है अभी, पर सूजी भीग जाएगी तो अच्छे से हो जाएगा। बस इसको भी हम ऐसे रख देंगे, जब ये अच्छे से भीग जाएगा 20 मिनट तक रख देंगे, तब ये अपने आप ही सख्त हो जाएगा। अभी तो थोड़ा ढीला बन गया। अभी इसको 20 मिनट के लिए ढक के रखते, उतने हमारे आलू मटर भी पक जाएंगे। करते हैं, मटर भी अच्छे से पके और आलू भी पके हैं। अभी इसको हम गैस बंद कर देते और पानी गरा देते, इसको ठंडी होने देते। तो जो आलू मटर हमने पकाए हैं, उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। तो अभी हम इसमें डालते हैं धनिया, जीरा, मेथी और कड़ी पत्ता, डालते प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल देते, प्याज को अच्छे से भूनने देंगे। अभी इसमें हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे और नमक डालेंगे अपने हिसाब से। और इसमें डाल देंगे एक टमाटर काटा हुआ, उसमें हम ये आलू मटर मैश करते हैं। तो जो हमने टमाटर डाले वो पक के अच्छे से इसी में ही मैश कर देंगे कढ़ाई में अच्छे से। टमाटर मोटे मोटे नहीं रहने के लिए आलू और मटर अच्छे से मैश करके रख दिए हैं। तो इसको इसमें डाल देंगे, आप सीधे ऐसे भी डाल सकते हैं। तो जो हमने तड़का बनाया है इसका, उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा बेड़ुआ के लिए। हमारे उधर कुछ भी ऐसे भर के बनाते हैं, उसको बेड़ुआ बोलते हैं। इसमें आमचूर डाल सकते हैं या नींबू भी डाल सकते हैं। इसी तरह इससे कचौड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। तो ये सूजी है, हमने जो इसके लिए थोड़ा सा तेल लिया, हाथ में तेल लगाएंगे। और सूजी जो पहले एकदम गीला था करके रखा था, वो अभी सख्त हो गया। सख्त नहीं हुआ, अभी ठीक हो गया, पहले गीला करके रखा था। तो इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मोटी सूजी है तो उसको थोड़ा गूंदना पड़ेगा, पानी से नहीं गूंदेंगे फिर ज़्यादा गीला हो जाएगा। उसको हम तेल, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के गूंदेंगे। ये सूजी भी अच्छे से हो गया,
इसको अभी इसमें रख देते हैं, अभी हम बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे हाथ में और ये सूजी मारा ऐसे हो गया जैसे रोटी के लिए आटा होता है ना उस तरह का। तो इसको आराम से छोटा छोटा लेना का, ज़्यादा बड़ा नहीं, मोटा नहीं बनाना, हमारे को पतला पतला ही रखना, ये फूल जाएगा सूजी है। तो इसमें जितना भर सकते हैं उतना भरेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि फट जाएगा या कुछ होगा। अब ये दूसरा डाल देते हैं, पानी के बजाय सूखे आटे से भी बना सकते हैं, चक्कर बेलने पर जैसे रोटी बेलते इसी तरह भी बेल सकते हैं। मैं थोड़ा ऐसे हाथ से ही कर रही हूँ। वो आसान है बनाने को। के पास तो मेकर है ना, एक ही बार वो उसमें बना के रख दे, मेरे पास छोटा है तो ऐसे ही बनाऊंगी, 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया होगा, अभी देखते हैं हम हो गए, इसको पता चला एकदम नरम बने हुए हैं, तो इसको हम प्लेट ही ऊपर निकाल देंगे, अभी इसके ना रोल जैसे बनाएंगे हम ना। एक रोटी बेलेगी, जितनी हो सकती है उतनी बेलेगी बड़ी, इसको ज़्यादा मोटी नहीं रखेगी, पतली करेगी। मोटी फिर पकेगी नहीं जल्दी। तो इसके ऊपर हम ये सब्जी रख देते इस तरह से अच्छे से, तो हम इसको ऐसे कर देते दोनों साइड से और इसका अच्छे से रोल बना देते। इस तरह से इसके रोल बना बना के हम इसमें रख देंगे। ये रोल टाइप के बनाए, इसको भी निकाल के देखे, प्लेट ही निकाल के तेल डाला, इसको थोड़ा शेलो फ्राई करेंगे। तो जो अभी खाने उतने कम इसको शेलो फ्राई कर देंगे, ऐसे बनेगी अंदर से, इसको ऐसे काट के इसके पीस पीस करेंगे और फिर इसको थोड़ा थोड़ा शेलो फ्राई करेंगे। इसको क्या तेल ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करो, सीधे ऐसे ही खा सकते, पर थोड़े थोड़े अगर जैसे कई चटपटा खाते हैं तो उसको थोड़ा सा पहले जीरा डाल दिया, फिर राई डाल देंगे, थोड़ी सी तेल डाल देंगे वाइट तेल, तो बोलो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे, जो राई है वो चटके की ऊपर आएगी। तो इसको थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे अंदर, पूरा ही रोल भी फ्राई कर सकते हैं।
फिर मैं काट के कर रही हूँ ऐसे, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इसको हम ऐसे बदल देंगे, हमारा जो राई तिल डाली है इसमें लग जाए। तो ये तैयार हो गए हमारे सूजी के रोल, और इस तरह बनाई ये रोल है, एक काट के फिर शेलो फ्राई किए हैं। वो जैसे पसंद हो, अगर कुछ भी नहीं करना ऐसे सीधे हम इसको घी के साथ खा सकते हैं। इस तरह से एकदम नरम बनते और इस तरह से बनेंगे अच्छे से। आप लोग को भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।